आपको किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंडेट दिया है, तो किन विषयों पे आप यहाँ पे इलेक्शन में अब आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहला विषय तो हमारी सुरक्षा का रहेगा। हम सब जानते हैं, हमने अपने पुराने दौर में हमने अपने कितने नेताओं को खोया, कितने लोगों को खोया, हमारे गांव से, हमारे दच्छन, हमारे ठाकराई, हमारे पलमाड़ और न जाने कितने गांव से, और किश्तवाड़ के हमारे तो आपको सबको पता ही है कि कितने लोगों की शहादत हुई। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा सुरक्षा का रहेगा और हमारा बेरोजगारी का। उसके बाद जो मेन मुद्दा बना हुआ है, हमारे यहाँ के काफी युवा बेरोजगार हैं। हमारे नरेंद्र मोदी सरकार में किश्तवाड़ जो प्रोजेक्ट हब बना हुआ है, हमारे बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिला है और बहुत सारे युवा अभी बेकार हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दौर में हमारे सभी नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। महिलाओं के क्या इश्यू आपकी नजर में है जो किश्तवाड़ में अभी है? महिला सशक्तिकरण जो है वो मेन चीज रहेगा हमारा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है लड़कियाँ सेफ महसूस नहीं करती, तो हर चीज को अवॉइड करती हैं। लाइक बाहर एजुकेशन के लिए जाना हो या किसी भी बड़ी फील्ड के लिए जाना हो तो लड़कियों को रोका जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी को लेके यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि मतलब लड़कियाँ थोड़ा घरों में बंद रहें ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि मोदी जी का जो नारा है महिला सशक्तिकरण का, हमने सबसे पहले यहाँ की महिलाओं को सिक्योर करना है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, सो डैट की वो आगे बढ़े। बाकी इन जनरल किश्तवाड़ के क्या ऐसे इश्यू रहेंगे जिन पे आप ज्यादा जोर देंगे? बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट, हमारा टूरिज्म का जो बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है किश्तवाड़, साथ में हमारा प्रोजेक्ट हब बनने जा रहा है, तो इन सब के थ्रू हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे।